हेलो गाइस, सो गाइस फाइनली आ गए अपनी नई मूवी के ट्रेलर के पर रिएक्शन के बाद। आज जानते हैं क्या नाम है मूवी का। तो गाइस जिसका रिएक्शन करने वाले उसका नाम है द ब्रोकन न्यूज़ 2। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फटाफट शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। आइए दीपांकर सान्या ने नेशनल टेलीविजन पे सीना ठोक के मुझे टेररिस्ट कहा। पूरा ये ना इसी का आ रहा है, Z5 में आ रही है, बहुत खत्म। ये स्टोरी दीपांकर सान्या को डिस्ट्रॉय कर दी है। सीजन 2 न्यूज बोरिंग होती है, मैं कहानियां बनाता हूँ। खबर को पहले पकाइए, उसके बाद परोसिए। सही बात। क्या हम यहाँ पे कोई मसाला मूवी बना रहे हैं? हमारा काम सच बोलना है। अगर आज सरकार के पास ऑपरेशन अम्ब्रेला होता तो हम नक्सल गतिविधियों पर नजर रख सकते थे। ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन अम्ब्रेला हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डेटा डाल भी सकता है। अगर सरकार ने तय कर दिया कि आपको जेल भेजना है तो फिर आपके कंप्यूटर में पुलिस को सबूत मिल ही जाएगी। सरकार गिरावा चाहती है, पूरा का पूरा सिस्टम बदला हो चुका है। और अगर मुझे इस सिस्टम को साफ करना है तो हाथ भी गलने का दिन पड़ेंगे। जोश मेरा चैनल है, बिकॉज ऑफ जोश आई लॉस्ट माय फैमिली। और ये सब खो देने के बाद आई जस्ट कांट लूज जोश। मैं डायरेक्ट फाइट चाहिए, वन ऑन वन। ये बहुत अच्छा लगता है। दीपांकर वर्सेस लाना। अब दीपांकर सान्या, आई फाइट फ्राई। राधा भार्गव किसी से नहीं डरती है, समझ लो ये बात। तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ ये सोच के कभी जनरलिस्ट मत करना, बल्कि ये सोच के करना कि क्या सब सही करने के लिए तुम जनरलिस्ट में आई थी। आज हमें कुछ ऐसा मिला है जो इस देश को सुपर पावर बना देगा। आपको मुझे पिछली बार सब सच बोल देना चाहिए था। स्टोरी बहुत बढ़िया है, यू हैव टू प्रेफर इट। ये बहुत डेंजरस है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। ये स्टोरी राधा भार्गव ने कही। स्टोरी मैं करूंगा। राधा भार्गव आज रात मरने वाली है। हमें टाइम मिलेगा हम सीजन 1 बिल्कुल देखेंगे। पर इसमें जो स्टोरी है इसमें पूरा एक ग्रुप होता है जो मतलब उनका न्यूज चैनल होता है, उसमें उनका एक ऐसा केस होता है जो सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब क्या न्यूज चल रही है, क्या पॉलिटिक्स, कौन सब एक दूसरे को टक्कर देने पे कि मैं सबसे अच्छा कर सकती हूँ, मैं सबसे। और कभी कहीं ना कहीं होता है ना जो सिचुएशन होता है ना, हम खुद को रिलेट कर लेते हैं। एक्चुअल में कुछ होता और हम रिलेट कुछ और कर लेते हैं। तो न्यूज में इस तरीके से मतलब जर्नलिज्म से इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी मूवी। आपको एक तरीके से सस्पेंस, थ्रिल और सारी चीजें भरी हुई मिलेगी। थ्रिल वाली मूवी अगर आपको पसंद है तो ये आपको बेहद पसंद आएगी। ये सीजन 2 है अभी फिलहाल का, ये आपको 3 मई को मतलब क्या नाम है प्राइम में देखने को मिल जाएगा Z5 में। तो गाइस खूब मजा आने वाला है। अगर गाइस आपको थ्रिल वाली ऐसे एपिसोड्स पसंद है तो गाइस बाकी गाइस यहाँ पे 2 फेमस आपको एक्ट्रेस देखने को मिलेगी, सोनाली बेंद्रे और एक और एक फेमस एक्ट्रेस है, हालांकि जिसका नाम मुझे नाम पता नहीं है, वो फेमस लेकिन जरूर है। बाकी यहाँ पे आपको 2 मेल फेमस एक्टर भी देखने को मिलेंगे। और जो गाइस मेन लीड वाला एक्टर है वो लिटरली गाइस बहुत ही क्लासिक एक्टिंग करता है। तो गाइस अगर मतलब मेरा जो ओपिनियन बनेगा तो गाइस यहाँ पे जो 2 एक्टर और एक्ट्रेस है मतलब उसकी वजह से हम प्लान कर सकते हैं कि जरूर हम देख सकते हैं। थ्रिल अच्छा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है इसमें, तो खूब मजा आने वाला है। ओवरऑल बोलते हैं। एनीवेज गाइस हमारे रिएक्शन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।